जबलपुर सहित संभाग के अन्य जिलों में तेजी से पैर पसार रहे ब्लैक फंगस के मामलों पर ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर संजय मिश्रा का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जहां इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि वैसे तो फंगस शरीर में लंबे समय से प्रवेश करती रहती हैं, लेकिन वर्तमान समय में कोविड 19 संक्रमित मरीजों में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग शरीर के अंदर पेट में पाए जाने वाले सहजीवी बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, क्योंकि इंसान के शरीर में सहजीवी बैक्टीरिया की मौजूदगी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही बैक्टीरिया फंगस को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लिहाजा एकाएक इन मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। डॉक्टर संजय मिश्रा के अनुसार कोविड 19 होने के बाद भी मास्क को पहनना खुले में सहज रूप से पाए जाने वाले ब्लैक फंगस के संक्रमण को शरीर में प्रवेश होने से रोक सकता है। हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि। तो जो फंगस है वो छोटे छोटे कण, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स, के रूप में वायु में पाया जाता है, धूल में पाया जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। मुख्य अभी तक जो पता लगे हैं 3 प्रकार के फंगस, वो सभी वायु में हैं और हमारे शरीर में जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन फंगस को लगातार खा लेते हैं और इनके प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। लेकिन कोविड से ग्रसित जो व्यक्ति रहे हैं, जो मरीज रहे हैं, उन्होंने एंटीबायोटिक्स का उपयोग काफ़ी किया। एंटीबायोटिक्स ने हमारे शरीर के जो सहजीवी बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट किया, उनकी संख्या को कम कर दिया। तो अब जो फंगस हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं उनको हमारे शरीर में बढ़ने का मौका मिल रहा है, और यही एक कारण है कि अब जो कोविड के बाद का जो दुष्प्रभाव लोगों में देखने मिल रहा है कि वो विभिन्न प्रकार के फंगस से ग्रसित हो रहे हैं। जैसे एक ब्लैक फंगस है जिसको अपन म्यूकर कहते हैं, वो सबसे घातक होता है फंगस के बीच में, क्योंकि ये हमारे शरीर में प्रविष्ट होके हमारे जो साइनस होते हैं नाक के दोनों तरफ, फिर वहाँ से आँख के पीछे चला जाता है, वहाँ से मस्तिष्क में चला जाता है, और एक बार मस्तिष्क में यदि चला जाएगा तो उस व्यक्ति के जीवन को बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से एक फंगस आया कैंडिडा, जिसको हम लोग बोलने लगे वाइट फंगस, फिर एस्परजिलस आया जिसको बोलने लगे क्रीम फंगस। ये दोनों फंगस भी शरीर को नुकसान तो पहुँचाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव ब्लैक फंगस मतलब म्यूकर की तुलना में बहुत कम है, और इससे मृत्यु होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अभी इनके मिक्स पिक्चर भी देखने मिल रहे हैं कि ब्लैक फंगस के व्यक्ति को जिसको ब्लैक फंगस का संक्रमण है उसमें वाइट फंगस भी देखा गया साथ में। अभी एक मरीज, जैसा मुझे जानकारी मिली, कि ब्लैक फंगस के साथ उसको क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दो जो ये फंगस है वाइट और क्रीम, ये जीवन के लिए बहुत घातक नहीं होता है। सर, अभी तक कितने मरीज जबलपुर जिले की बात की जाए तो ये फंगस के? देखिए, जबलपुर में केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के सभी जिलों के मरीज यहीं आ रहे हैं। 137 मरीज अभी तक मेडिकल कॉलेज में देखे जा चुके हैं, उसमें से करीब करीब 28 मरीजों को तो ऑपरेशन भी किया जा चुका है। शासन लगातार इसका जो एंटी फंगल मेडिसिन है एम्फोटेरेसिन बी, वो उपलब्ध करा रही है,